विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा जानकारी हमारे पास ये भी आ रही है कि तमाम बड़े बड़े मुल्कों के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो भी जनरल बिपिन रावत के लास्ट राइट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके मिलिट्री कमांडर्स भी दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो भी बरार स्क्वायर के शमशान घाट पर मौजूद रहेंगे जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश के आम जन के साथ जनरल बिपिन रावत का कनेक्शन क्या था और जनरल बिपिन रावत को किन नजरों से देखा जाता था पूरे हिंदुस्तान में। पूरा हिंदुस्तान आज गमगीन है, हर आंखें नम है और फक्र किया जा रहा है जनरल बिपिन रावत के उन कामों को लेकर, उन योगदान को लेकर जिन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतिम सफर पर जनरल रावत। हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला भी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शुक्ला जी क्या कहेंगे, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने देखा पूरे हिंदुस्तान से किस तरह के रिएक्शन आए, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, आर्मी चीफ हो, उन्होंने जिस तरह से शोक का इजहार किया। और इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो हम देख रहे हैं, सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से लोग जमा है, जो आम लोगों से जनरल बिपिन रावत का कनेक्शन था, इन सारी बातों को कैसे समेटना चाहेंगे आप चंद अल्फाजों में? ये बहुत ही दुखमय समय है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ना केवल भारतीय फोर्स को बट एक देश को भी। और देश ने एक जनरल खोया है जिन्होंने अपने 40 साल, लगभग 40 साल, चार दशक उन्होंने देश को दिए हैं। 1958 में वो बॉर्न हुए थे, 1978 16 दिसंबर को कमीशन हुए थे 11 जीआर राइफल में, वहां से उनका जीवन शुरू हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा नजदीक से युद्ध को, काउंटर इंसर्जेंसी को, बॉर्डर को, हर जगह पे अपना योगदान दिया। उरी में वो कैप्टन थे और चाइना की बॉर्डर पे जब थे तब उन्होंने बटालियन कमांड करी। इन्होंने 5 सेक्टर यानी कि आरआर राष्ट्रीय राइफल के एक सेक्टर को कमांड किया अपना ब्रिगेडियर के तौर पे, और इसी तरह वो अपना योगदान हर क्षेत्र में देते रहे। और पूरा भारत देश गर्वान्वित महसूस करता है जब ये सीन आज आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक लॉस हुआ है देश को। उनके द्वारा लिए गए फैसले हम सब जानते हैं कि कितने अहम, कितने कड़े, कितने बड़े फैसले जनरल बिपिन रावत की तरफ से लिए गए, और उसके बाद लोगों का लगाव उनके साथ किस तरह का है, जुड़ाव किस तरह का है, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ कुछ लोग भी हैं और बेसब्री से अंतिम दर्शन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र, बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अभी इन लोगों से थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था जिसमें इनका कहना था कि आज तक इन्होंने जनरल विपिन रावत से कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन हमेशा उनको जब भी देखा, चाहे वो चैनल में देखा या कहीं पर मीडिया में देखा, अखबारों में देखा, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और यही उनकी पहचान थी कि कितनी ही विषम परिस्थिति हो जनरल विपिन रावत हमेशा उसी मुस्कान के साथ उनके साथ डटे रहे। ये देखिए सुबह से ये महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हुई, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो चुका और सभी के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस तरीके से अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए जनरल बिपिन रावत के यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग, मैं मैरौली से, हमारी पूरी टीम आई है, हम लोग जिला मैरौली से। हाँ जी, ये बताइए किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहिए अंतिम? देश निशब्द है, उत्तराखंड के बहुत वीर सपूतों ने भारत के लिए योगदान दिया, मगर उसमें से निराले थे विपिन रावत जी, सर्वोच्च पद पर थे सेना के, मगर इस तरह से सारे, इतने सारे सैनिकों का, उनकी पत्नी का काल के मुंह में समा जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और अश्रुपूरित नेत्रों से हमेशा याद करते रहेंगे। जय जवान, जय भारत। किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? अमर रहें, हमने देश के बहुत बड़े सैनिक को खोया है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, जब तक ये धरती रहेगी इनका नाम अमर रहेगा। हमें बहुत दिल से दुख है, हमने एक होनार ऑफिसर को खो दिया है, तहे दिल से हम हमेशा याद रखेंगे उन्हें। हमें बहुत दुख है कि हमने अपने देश का जवान खोया है, तो उनके लिए हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं।
ये देखिए पूर्णिमा, यही पहचान है उनकी और यही देखिए ये सम्मान है जो जनरल बिपिन रावत ने पाया। और सम्मान और किस की ऐसी तस्वीरें जितेंद्र जगह जगह से देखने को मिल रही है। सड़क के दोनों किनारे लोगों की मौजूदगी है और अंतिम सफर पर जनरल रावत इस वक्त निकल चुके हैं। विपिन लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। विपिन 15 मिनट का ये समय बताया जा रहा था ब्रार स्क्वायर तक का ये रास्ता, और लग रहा है बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए लगभग आधे घंटे लगेंगे, लेकिन जो एक दिलचस्प तस्वीर है ये देखिए सेना के जवान कैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ हाथों में तिरंगा लेकर अपने सर्वोच्च सेनापति को, सर्वोच्च सैनिक को सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च सम्मान देते हुए भारत के लोग। और जब उनका पार्थिव शरीर इधर से गुजर रहा है तो संभवतः उनकी आत्मा आसपास होगी और वो आत्मा कह रही होगी कि मेरा बलिदान खराब नहीं गया, मैं जिस देश के लिए शहीद हुआ उस देश के लोग पलक पावड़े बिछाकर मुझे अंतिम विदाई दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आगे जो हाथ में तिरंगा लिए लोग तस्वीर है वो तस्वीर आगे करो। मेरे ड्राइवर साहब गाड़ी आगे बढ़ाएं, राइट से लेकर गाड़ी आगे बढ़ाएं, ड्राइवर साहब गाड़ी आगे बढ़ाइए। और सामने वो देखिए, अब सामने इस पूरे काफिले को देखिए और सड़क के बाईं तरफ आप देखेंगे हाथों में लोग तिरंगा लिए कैसे खड़े हैं। बस आराम से चलते रहिए, हाथों में तिरंगा लिए लोग कैसे खड़े हैं और कैसे अपने अमर, इस अमर जवान के लिए, कैसे उनकी शहादत के लिए, कैसे उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनके सेवा के लिए कैसे उनको याद कर रहे हैं। अमर रहे के नारों के बीच, भारत माता की जय के नारों के बीच और तमाम देश के पक्ष में जो नारे लगते हैं उन तमाम नारों को लगाया जा रहा है। और इन नौजवानों को देखिए, पिछले 4 किलोमीटर से ये ऐसे ही दौड़ते आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा सेनापति जब विदा हो रहा हो तो हम उसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। और इसी गाड़ी के उसी ठीक पीछे एक तोप है, उस तोप के ऊपर उस कैरेज को रखा गया है जिसमें उनका पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को फूलों से पाट दिया गया है। और ये सर्वोच्च बलिदान देने के बाद जब शहादत होती है तो कुछ इस तरह का काफिला होता है। और लोग कहते हैं कि सेना सर्विस नहीं है, सेना जो है वो अपने आप में एक सेवा है और देश के लिए सेवा, और देश के लिए जो मर मिटना चाहता है जब वो मर मिटता है तो देश कैसे उसको याद करता है, कैसे उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, कैसे उसके लिए पलक पावड़े बिठा देता है। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और ये भी देखिए पूरे सड़क के चारों तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कैमरा पर्सन दिखाए हाथों में तिरंगा लिए, पुलिस को रोकना पड़ रहा है, लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे, लेफ्ट लोग अपनी भावनाओं को काबू। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त अंतिम सफर में साथ हैं और सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जाहिर है इस वक्त सड़क के इर्द गिर्द खड़े लोगों की जो भावनाएं हैं वही करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाएं। बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंच तो नहीं पाए हैं लेकिन इस वक्त इन्हीं तस्वीरों के जरिए वो अपने प्रिय जनरल को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।